कैथल के गांव बाता से चोरी की बड़ी वारदात आई सामने। दरअसल बीते शनिवार को जब पूरा परिवार चंडीगढ़ गया हुआ था, तभी सुबह 3 बजे के आसपास चोर ने घर में दस्तक दी और लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चुरा लिए। जिस महंगे ताले को सुरक्षा की गारंटी माना जाता है, चोर ने बड़ी आसानी के साथ उन तालों को तोड़ दिया था। परिवार को पूरे घटनाक्रम की सूचना पड़ोसी ने दी, जिसके बाद डायल 112 को सूचित किया गया। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद चोर दिखाई दे रहा है, जो कि कंबल और हेलमेट पहने हुए हैं। गांव बत्ता में काफी समय बाद ये इस तरह की पहली वारदात है। चोर के हौसले बुलंद ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन भी बेहद सतर्कता के साथ मामले की जांच कर रहा है। मैं गांव बत्ता से, नाम मेरा रोहित है। मैं सुबह 8 बजे खेत में जा रहा था, तो मैंने देखा मेरे ताऊ के कुआड़ खुले पड़े हैं। मैंने देखा भाई लगता है कोई आ गया होगा, तो मैं देखने आया। मैंने रुक्का मारे, आग भाई ताऊ जी घर पे हो? ये मतलब कोई आवाज़ नहीं आई मेरे को। मैंने फिर फ़ोन किया, मगर ताऊ जी कोई मतलब आप में से कोई इधर आया है या नहीं है? ये बोले अग भाई मम तो आई नहीं है, मगर आपके सारे लोग खुले पड़े हैं। वो कह रहे थे अग भाई देख के अंदर। मैं अंदर गया नहीं, मैं बाहर से एक दो बंदे को लेके आया हूँ। अंदर लेके आया तो देखा सारा खिंडा पिंडा पड़ा था, लोग टूटे पड़े थे, यानी कि चोरी हो चुकी थी। उस टाइम मैंने लगभग 8 बजे के करीब देखा है ये। पुलिस को भी आपने? हाँ, मैंने तो ताऊ जी बोले अग भाई 112 को बुलाओ। मैंने 112 को कॉल किया है, मौके पे 112 पहुँच गई थी। उन्होंने वीडियो वगैरह बनाई है, तो फिर उन्होंने SHO के पास फ़ोन किया। कलैथ वाली पुलिस आई, उन्होंने इंक्वायरी की है। जो फिंगर वाले थे वो फिंगर भी लेके गए हैं। इंक्वायरी मतलब अपनी तरफ से बढ़िया इंक्वायरी कर रहे हैं वो, और जल्द से जल्द पकड़ा भी जाएगा वो। जैसे इंक्वायरी चल रही है, नुकसान बहुत ज़्यादा कर रखा है। ये हमारे गांव में इस गली में तो लगभग पहली ही वारदात है। ऐसी वारदात हमने कभी ना तो देखी ना सुनी है। जैसे हो रहा था आज तक तो देखी नहीं थी, पहली बार ये वारदात देखी है। हाँ, जैसे CCTV देखे हैं, उसमें एक ही इंसान है, कंबल ओढ़ रखा है, हेलमेट लगा रखा है उसने, जूते पहन रहा है। उसकी थोड़ी सी मतलब पहचान नहीं हो रही है। CIA वाले लग रहे हैं, जल्द से जल्द उसको पकड़ ही लेंगे। मतलब जो भी हमने कैमरा चेक किया ना, वही बंदा आ रहा है। अकेला है वो, और कंबल ओढ़ रखा है, हेलमेट लगा रखा है उसने। बस पता क्या है जी, पता तो हो गई उनको। जैसे कि ताऊ का लड़का है, वो जॉब कर रहा है प्राइवेट। भाभी हमारी वहाँ सरकारी जॉब पे है। ताऊ जी और ताई जी जो मेरी, वो अपने पोते को मिलने के लिए जाते हैं अब। हाँ, चंडीगढ़। वो हफ्ता वहाँ रहते हैं, हफ्ता इधर रहते हैं। खबर तो होगी, कोई जानकारी है जो इतना काम अकेला बंदा करेगा। और वैसे जैसे अकेला आ गया था, उसको ये भी खतरा था अगर भाई वो मार के कुछ करके भी चला जाता, हमें ये भी डर है। मैं गांव बत्ता से प्रीतम सिंह। ये रात को तो घर में घुस के वो काफ़ी नुकसान कर गए हैं। ये शनिवार रात को तकरीबन कितना नुकसान है? ये लगभग 10 लाख के आसपास। ज़्यादातर किस किस चीज़ की चोरी हुई है? ज़्यादा सोना चांदी और पैसा, और कुछ नहीं लगे। सिर्फ 3 ही चीज़ टारगेट था। किस टाइम की घटना है ये? सुबह लगभग 3 से 4, 4:30 के बीच। परिवार कहाँ था? परिवार सारा चंडीगढ़ था। यहाँ लोग लगे हुए थे, सारे लोग तोड़ दिए। आपको कैसे सूचना मिली? हमें, हमारा भतीजा यहीं रहता है, वो सुबह उठ के 8 बजे खेत में जान लग रहा था, दरवाजे खुले मिले, तो उसने अंदर देखा तो हमारा चोरी होगी। तो उससे उन्हें मेरे चंडीगढ़ फ़ोन किया, मैंने बोला अंदर जाके देख। वो डर के मारे अंदर नहीं गया, उसने बाहर से एक आदमी और बुलाया, फिर वो अंदर गया, फिर उसने सूचना करी, फिर हम यहाँ पहुँच गए। हाँ, पुलिस को शिकायत दे दी है। पुलिस तहकीकात कर रही है, कार्रवाई उचित कर रही है। कोई शक या तो का कुछ निगाह में आया हो थोड़ा बहुत? ना, अभी कोई माने किसी के ऊपर शक नहीं है। जो चोर होगा वो पुलिस तहकीकात कर लेगी। नुकसान ज़्यादा है? नुकसान बहुत ज़्यादा है।